लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव पिनाई न्यूज। आज हम जो गाजीपुर जनपद के विधानसभा जखनिया में उपस्थित हैं और जहां से समाजवादी पार्टी सोलदेव समाज पार्टी के प्रत्याशी देवी राम से सवाल करेंगे। जो प्रमुख मायावती जी है उन्होंने सपा पर आरोप लगाया है कि जब सपा की सरकार होती है तो दलितों की भूमि को लूटी जाती है, तो इस तरह की सियासी बयानबाजी को लेकर आपका क्या कहना है? ये गलत आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा की सरकार कैसी रहती है और भाजपा की सरकार कैसी रहती है और अखिलेश भैया की सरकार कैसी रहती है सर, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये गलत आरोप है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पे एक बड़ा आरोप लगाया है कि इनके पार्टी का नाम समाजवादी है और काम इनका आतंकवादी और सोच समाजवादी बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई इनका कार्य नहीं है। आप नहीं देख रहे हैं कि अब माताओं बहनों की इज्जत बरकरार नहीं है और लड़कियों की इज्जत कितने इनके जो है नेता विधायक, अपना मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कहिए तो नाम भी ले लें, वो लोग जो है इसी के चलते जेल में हैं। जब विधायक ऐसा कह रहे हैं तो उनके समर्थक कैसा क्या क्या कर रहे हैं? जय 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 अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। एक प्रश्न आपसे कि अगर यहाँ की जो जनता है अगर आपको मौका देती है जनप्रतिनिधि बनने का तो पहली प्राथमिकता क्या होगी यहाँ के विकास को लेकर? मैं जखनिया क्षेत्र का, जो गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है, ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और पहली प्राथमिकता जो सड़क है, क्योंकि मैं जगह जगह जा रहा हूं, सड़क कहीं भी की भी ठीक नहीं है, ये बीजेपी का दावा रहा कि सड़कें मैं बिल्कुल ठीक करा दिया हूं, ये झूठा उनका निराधार। ऐसे किन मुद्दों के साथ आप जखनिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, किन क्या मुद्दा रहेगा इस विधानसभा क्षेत्र में? मेरा मुद्दा सिर्फ विकास, जखनिया का सर्वांगीण विकास, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड के क्षेत्र में हो, सारे क्षेत्रों में मैंने बता दिया, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सब विकास करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। क्यों कि हाँ, इसके पहले मैं विधायक पर आरोप नहीं लगाता हूं, मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं, उसने कोई विकास नहीं किया ये जखनिया के क्षेत्र को, जनता को और जखनिया क्षेत्र को बस से बदतर हाल। ऐसे एक आरोप लग रहा है विपक्ष का आपके ऊपर कि आप डायरेक्ट पैराशूट के पैराशूट उम्मीदवार हैं, इस तरह के। अरे भाई, कैसे पैराशूट उम्मीदवार हैं? मेरा घर 372 में पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र किराकत 372 और मैं 373 में लड़ने आया हूँ, तो कैसे पैराशूट होंगे? बेटी राम जिंदाबाद, 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 बेटी राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये विपक्ष का आरोप है जो निराधार है। और एक चीज और बता दें आपको, जिसकी सेवा करने की, विकास करने की भावना होती है वो दूर भी रहते हुए वो विकास कर सकता है, और जिसकी भावना सेवा की नहीं होती, विकास की नहीं होती, वो पास में रहता है तब पर भी कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत